फ्रेंड्स, कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि उनको पीरियड्स बहुत ही ज़्यादा आता है, अत्यधिक मात्रा में आता है, जितना आना चाहिए उतना नहीं आता है। इससे कई सारी महिलाएं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, ओवर ब्लीडिंग होने लगता है। ऐसे में उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन यही पूछा था कि सर, पीरियड्स बहुत ही ज़्यादा आता है, अनियमित तौर पर आता है, इतना ज़्यादा आता है कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, ओवर ब्लीडिंग होने लगता है। ऐसे में कभी कभी शरीर में कमजोरी हो जाता है, आँखों के सामने काले अंधेरे से नजर आने लगते हैं, सर घूमने लगता है, पेट में कभी अचानक दर्द होने लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कौन सी मेडिसिन लें, कौन सी ऐसा सिरप लें जिससे कि पीरियड्स को कंट्रोल किया जा सकता है, पीरियड्स को कम किया जा सकता है। तो ऐसे में उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछ रखा था, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ किसी भी मेडिसिन को आपको यूज नहीं करना होगा, किसी तरह का कोई सिरप आपको नहीं लेना होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको नेचुरल टिप्स बताऊंगा, आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बताऊंगा जिससे आप इजिली अपने पीरियड्स को कम कर सकते हो, शरीर में आई हुई कमजोरी को दूर कर सकते हो। और इसे आप ट्राई करके देखना, बहुत ही जल्द आपका जो पीरियड्स ज़्यादा आता है, अत्यधिक मात्रा में जो पीरियड्स आता है, वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप बस इसे करके देखना, बहुत ही इफेक्टिव आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरा नाम है किशन कुमार, मैं एक नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको उस आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बताता हूँ जिसको आपको करना होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको लेने होंगे अश्वगंध के चूर्ण, अश्वगंध के चूर्ण को ले ले थोड़ा सा। उसके बाद आपको मिश्री लेना होगा, मिश्री लेना है जो चट्टान की तरह बड़े बड़े जो मिश्री आते हैं, बट उस मिश्री को लेना है, उस इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिश्रण को, यानी अश्वगंध के चूर्ण को और उस मिश्री दाने को, दोनों को मिलाकर एक चूर्ण बना ले, पाउडर बना ले, सुबह सुबह एक गिलास पानी में मिलाकर आपको पीना होगा। तो इसे आपको सुबह सुबह लेना होगा प्रतिदिन। इससे करने से जो आपकी पीरियड्स बहुत ही ज़्यादा आती है वो कंट्रोल हो जाएगा बहुत ही जल्द, यानी 10 दिनों के अंदर अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जो ज़्यादा पीरियड्स आपको आता है वो कंट्रोल हो जाएगा। इसके साथ साथ में ओवर ब्लीडिंग की जो समस्या होती है, ज़्यादा ब्लड निकल जाता है, वो भी समस्या इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आप इसको कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव नुस्खा है। इसके बाद में और बताया था और आपको क्या करना होगा, तो इसके बाद आपको लेना होगा सूखा धनिया ले सकते हो या फिर धनिया का पत्ता भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा तो सूखा हुआ धनिया होता है। इस धनिया को यानी कोरिएंडर को अच्छी तरह से मिक्सर में ग्राइंडर में पीसकर इनका पाउडर बना लीजिए, चूर्ण बना लीजिए। चूर्ण बनाने के बाद एक गिलास पानी को किसी भी बर्तन पतीले में डालकर 1 से 1.5 चम्मच धनिया को पानी में डालकर उबालने के बाद में छान कर सुबह सुबह आप खाना खाने के बाद भी ले सकते हो या फिर खाली पेट भी ले सकते हो। खाना खाने से आधे घंटे पहले लेना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये जो सूखे धनिया का पाउडर बनाकर आप जो लोगे, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। काफ़ी जल्द जो पीरियड्स ज़्यादा आता है वो कंट्रोल हो जाएगा और ज़्यादा जो ब्लड निकलती है वो भी समस्या इससे दूर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में और आपको घरेलू उपचार बताया था और आप क्या कर सकते हो, इसके बाद आपको लेने होंगे जामुन की हरी ताजी छाल, आप इसे भी ले सकते हो या फिर मार्केट में मिलने वाले जामुन की छाल चूर्ण आता है वो भी आप ले सकते हो। तो आपके लिए सबसे बेटर रहेगा अगर आपको नेचुरली मिल जाए तो आपको लेना होगा जामुन की हरी ताजी छाल, इसका धूप में सुखाकर इसका पाउडर बना लीजिए, चूर्ण बना लीजिए और सुबह शाम 1 गिलास गाय के दूध के साथ 1 चम्मच इस पाउडर को मिलाकर आपको प्रतिदिन 10 दिनों तक पीना है। आप देखोगे काफी जल्द, यानी कि 10 दिनों के अंदर अंदर जो पीरियड्स ज़्यादा आता है वो ठीक हो जाएगा, अनियमित तौर पे आता है वो ठीक हो जाएगा, ज़्यादा ब्लड निकलती है, ब्लीडिंग की समस्या है वो ठीक हो जाएगी, शरीर में कमजोरी दूर हो जाएगी, बहुत ही जल्द आपका पीरियड्स अत्यधिक मात्रा में आता है वो भी इससे बहुत जल्द कंट्रोल हो जाएगा। और आपको इसका फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप करोगे। अगर आप भी बहुत सारी होम रेमेडीज अपना कर परेशान हो चुके हो, आप भी कई सारी मेडिसिन ले के परेशान हो चुके हो, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत जल्द आपको इसका फ़र्क देखने को मिले लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।